जम्मू के कालाकोट विधानसभा क्षेत्र के ढांगरी गांव में चर्चा मुहिम के तहत कांग्रेस पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कालाकोट के पूर्व विधायक अशोक शर्मा ने की। इस मौके पर युवा कांग्रेस के कालाकोट अध्यक्ष निर्मल सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए। युवा कांग्रेस के कालाकोट प्रधान निर्मल सिंह ने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अच्छे दिन कहीं नजर नहीं आ रहे। इस अवसर पर कालाकोट के पूर्व विधायक अशोक शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर तरह से फेल हो चुकी है और भाजपा की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। मालिया यहाँ से पैसे लेके आपकी मदद से चला गया, आपने दर्जनों शवकारों को जो है वो पैसे दे दिए, उनको कर्जे माफ कर दिए, बैंक का सूद माफ कर दिया। क्या आपने किसी एक व्यक्ति गरीब आदमी को, किसी जिम्मेदार को, चाय बेचने वाले को माफ किया? और अगर नहीं किया तो उसकी वजह क्या है? इसलिए क्या कोई बता सकता है कि आज जो कालाकोट में दंगे हुए कौन जिम्मेवार है उसका? पंचायत का इलेक्शन जो कानूनी तौर पर ये फैसला हुआ है कि ये पॉलिटिकल बेसिस पर नहीं होगा, सियासी पार्टियों के बुनियाद पर नहीं होगा, क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारी पार्टी के लोग, तुम्हारे एमएलए और मिनिस्टर जम्मू कश्मीर रियासत में स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायत को पावर देने के लिए पार्लियामेंट के अंदर 73rd और 74th अमेंडमेंट करवा के लोगों को ताकत दी थी, जो रियासत में हम लोगों को 20 साल लगे ये कानून बनाते, और जब पूरे देश में कानून बनने के बाद रियासत में 20 साल के कानून बाद को कानून बनाया है, वो कानून भी आप लागू नहीं होने देते। क्या इसका जवाब आपके पास है? ये जवाब आपको देखना होगा, लोगों को देना होगा। इसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब अभी यहां भी बात चली, मेरे बुजुर्ग महान नेता ने करी कि साहब शर्मा साहब को कहा बीजेपी में आ जाओ। इसी तरह की सभाओं में हम ये कहते थे, कुछ नौजवान भी उठ के कहते थे बीजेपी में आ जाओ। भाई भैया ये मुझे बताओ, अगर मैं चला जाता बीजेपी में, आज मैं अपनी चारदीवारी 4 लाख नीरका के पैसे से करवाता? अगर मैं बीजेपी में चला जाता तो क्या मैं सारे का सारा जंगलात की जमीन पे अपनी मंजिल जम्मू बठिंडी में खड़ा कर देता, सुजमा में खड़ा कर देता? मुझे ये काम नहीं करना था, और इन लोगों को ये काम करवाने थे, ये मैं भली बात नहीं जानता था, मुझे पता था। आपके पास वक्त नहीं था कि आप BSNL को प्रमोट करते हैं, जो सरकार की एजेंसी थी, जिसका सरकार का नेटवर्क था मोबाइल का, आपको किसी प्राइवेट आदमी का करना पड़ा। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जैसे आपने कहा कि विजय माल्या ने मुझको उस वक्त पैसा दिया जब मुझे इलेक्शन में जरूरत थी, इसलिए मैंने उसको माफ करा। ये कहा जा रहा है अगर विजय माल्या ने आपको पैसा दिया तो गरीब ने आपको वोट दिया, जहां उसका आप ख्याल रखना चाहते हो वहां वोटर का भी ख्याल रखो। अगर वोटर वोट नहीं देता तो विजय माल्या का पैसा कुछ नहीं करता। आज वक्त आया है जब हमें दिखाना होगा कि विजय माल्या जैसे दोस्त अगर प्रधानमंत्री के रहेंगे तो वोटर उसके साथ नहीं रहेगा, वोटर अपने हक के साथ रहेगा, अपने इंसाफ के साथ रहेगा। हमारी इस कार से ये रिक्वेस्ट है कि जा तो उनको पार्टी बेसिस पर डिक्लेयर करें, तो पार्टी का दखल उसमें रखें, अगर नहीं करते तो फिर मत उसमें दखल करें। अब जो वार्डबंदी हो रही है, नई पंचायत बन रही हैं या नई वार्ड्स क्रिएट हो रही हैं, तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये बहुत मुश्किल से एक मरहले पे हम लोग पहुंचे थे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बतौर प्राइम मिनिस्टर 73rd और 4th अमेंडमेंट करवा के पंचायती राज को मजबूत बना के ताकि लोगों के हाथ में ताकत हो, वो एक फैसला किया था। पार्लियामेंट में एक कानून पास हुआ, लेकिन रियासत में हमको 1.5 दहाई से ज़्यादा लग गया यहाँ पास करते।
वो कानून पास होने के बाद अब भी सरपंच का इलेक्शन जो डायरेक्ट होना था उसको हटा दिया गया, और अभी जो हो रहा है वो वार्डों का वार्डबंदी और पंचायत बंदी जो है वो पॉलिटिकल बेसिस पे हो रही है। तो उससे क्या होता है कि भाई एक सिलेक्टिव लोगों को उसका बेनिफिट जाता है और पिक एंड चूज हो रहा है, एक बाहले के 10 वोट यहाँ डाल दिए, 20 कहीं और डाल दिए, 4 कहीं और डाल दिए, कहीं कम्युनिटी बेसिस पे, कहीं पार्टी बेसिस पे, कहीं दूसरी बेसिस पे। ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारी अपील होगी सरकार से कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन ज़रूरी हैं, उसके बगैर तो है नहीं, क्योंकि लोगों को पावर जानी चाहिए। जो लोग ये कहते थे कि हम लोगों को ताकत देना चाहते हैं, आज वो सारी ताकत खुद हड़प करना चाहते हैं। तो इसलिए पंचायत इलेक्शन और म्यूनसिपल इलेक्शन जल्दी से जल्दी होने चाहिए, लेकिन उसमें जो है रेशनल लेवल पे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनानी चाहिए, और जहाँ महल्ले के बेसिस पे बनानी चाहिए, जहाँ देखना चाहिए दरिया के पार क्या है, इस नाले के पार क्या है, इस कस के पार क्या है, जहाँ देखना चाहिए कि सड़क के आर क्या है और पार क्या है, बल्कि किसी तरह से पिक एंड चूज उठा के यहाँ का गर्दन किसी की काटी और किसी की टांग लगा दी, और उस जगह पे और किसी की टांग काटी और वहाँ पेट लगा दिया, और किसी का पेट काटा और उसके हाथ लगा दिए। तो ये सिस्टम जो हो रहा है ये बिल्कुल निंदनीय है, हम इसको कंडेम करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि एक इम्पार्शल जो है कमेटी बननी चाहिए जो डिलिमिटेशन पंचायत की करे। थैंक यू।